नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको रत्नों की जांच परख करने सिखाऊंगा। आप कैसे बिना किसी मशीन के पता लगा सकते हैं कि आपका रत्न ट्रीटमेंट किया हुआ है या नो ट्रीटमेंट है। मार्केट में सुंदर, चमकदार और अच्छे रंगों के रत्नों को देख करके लोग समझ लेते हैं कि वाह क्या रत्न है, क्या नीलम है, एकदम गाढ़ा नीला है, मज़ा आ गया। अगर कम पैसे में अच्छे कलर का चमकदार रत्न आपको मिल रहा है तो पूरी संभावना है कि वह ट्रीटमेंट किया हुआ स्टोन है। नेचुरल श्रीलंका का नहीं है, बैंकॉक का होने की पूरी उसमें चांस बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको रत्नों की जांच परख करने बताऊंगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और लैब टेस्टेड गारंटेड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली पहचान तो यह है, चार से पांच चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा और यदि आप बिल्कुल एकदम सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक मिस मत करिएगा। सबसे पहली पहचान तो यह है कि अगर रत्न बहुत ज़्यादा चमकदार और कलरफुल है और बहुत सस्ता आपको मिल रहा है तो उसके डुप्लीकेट या ट्रीटमेंट किया हुआ होने की पूरी संभावना बन जाती है। क्योंकि साफ सुथरे, चमकदार और अच्छे कलर के रत्न जिनकी हार्डनेस बहुत अच्छी हो वह बड़ी आसानी से मार्केट में नहीं मिलते हैं, अपने दाम में ही मिलेगा आपको। हम व्यापारी लोग हैं, हमें भी नहीं मिलते बड़ी आसानी से, अपने दाम में ही मिलते हैं। तो पहली तो यह बात आप ध्यान रखें। दूसरा, उसकी धूप टेस्टिंग करें। अब ये धूप टेस्टिंग क्या होती है? रत्न को 4 से 5 घंटे धूप में रख दें आप, बस 3 घंटे रख दें। अगर वह ट्रीटमेंट किया हुआ होगा तो उसका कलर फैल जाएगा, एकदम फीका पड़ जाएगा। धूप में रखने से पहले उसकी वीडियो बना लें और बाद में उसकी वीडियो बनाएं, दोनों को मैच करें, अंतर आ जाएगा। जिस प्रकार कपड़े में नील देते हैं ना, तो नील फैल जाता है, कच्चा कच्चा धब्बे धब्बे दिखाई पड़ते हैं सब जगह। इसी प्रकार उसमें जो कलर उसमें समान रूप से था उसमें धब्बे धब्बे दिखाई पड़ेंगे। दूसरा, जो नेचुरल कुदरती स्टोन है वह बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। 1000 साल तक भी आप उसको धूप में रखोगे तो उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कुदरती जो स्टोन है उसको बिल्कुल पास से देखोगे, आँख के पास ला करके या उसको शीशे के द्वारा देखोगे या दूरबीन से देखोगे तो उसमें अंदर की तरफ धब्बे धब्बे से दिखाई नहीं पड़ेंगे, उसका कलर एक समान होगा। लेकिन ट्रीटमेंट किया हुआ जो रत्न है, जब आप उसको पास में ला करके बिल्कुल देखेंगे या बैटरी लगा करके उसमें देखेंगे, टॉर्च लगा करके उसमें आप देखेंगे तो उसमें कहीं तो कलर आपको गाढ़ा दिखाई पड़ेगा, कहीं बहुत हल्का, कहीं बिंदी सी जमी हुई, कहीं फैला हुआ सा, जिस प्रकार कपड़े में नील दे देते हैं थर्ड क्लास। तो वहाँ से भी आपको आइडिया कर लेना चाहिए अगर कलर कहीं पे फैला हुआ है, कहीं पे धब्बा जमा हुआ है तो ट्रीटमेंट किया हुआ स्टोन है। तीसरा, जिस दुकानदार से आप ले ठोक बजा करके ले, तो मित्रों धूप टेस्टिंग इसका सबसे बढ़िया तरीका है इस दुनिया में। आप कुछ मत करें, उसको रत्न को नज़दीकी से देखें। पहला पॉइंट है कि आपको कितने दाम में मिल रहा है। अगर सस्ता मिल रहा है, बहुत चमकदार है, गाढ़ा नीला है और 10,000 में आपको नीलम मिल रहा है तो 10,000 में गाढ़ा नीला चमकदार नीलम नहीं आता, ठीक है, या कोई भी रत्न। और दूसरा, धूप टेस्टिंग आप कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसको 3-4 घंटे आप धूप में रख दें, वो अपना कलर छोड़ जाएगा, उसका कलर फैल जाएगा और पास से देखने पर जो नेचुरल स्टोन है बिल्कुल नेचुरली दिखाई पड़ता है, बस यही पहचान है, ठीक है। तो मित्रों, मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो।